नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। 4:40 खबर में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन चार टॉप स्टोरी की जिस पर आज पूरे देश और दुनिया की नजर है। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉन बहाना कांग्रेस निशाना। जी हां, संजय राउत के उस बयान की जो उन्होंने दिया था कल और आज लिया यू टर्न, मांगी माफी। इसके साथ ही हम बात करेंगे फंदा तैयार, कब होगी फांसी, बात निर्भया मामले की जिसमें लगातार अदालत से झटका मिल रहा है, लेकिन दोषी हर कोई कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनको कानूनी राहत मिल सके। बात हम करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। लगातार मंथन जारी है, बैठकों का दौर जारी है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार आज नामांकन दाखिल कर चुके हैं, खासकर मनीष सिसोदिया। बात करेंगे शिरडी साईं स्थान की, जहां पर जन्म स्थली को लेकर अब विवाद गर्माता जा रहा है। तो ये चार बड़ी खबरें जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको देश और दुनिया की 20 अहम खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। सह प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। निर्भया के दोषी मुकेश के डेथ वारंट पर पटियाला हाउस कोर्ट का रोक से इनकार, मुकेश की याचिका पर कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से मांगी माफी, पूछा क्या फांसी के वक्त में किया जा सकता है बदला। निर्भया के दोषियों को फांसी न दिए जाने के पक्ष में खड़ी हुई सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर, कहा कई देशों में खत्म हो चुकी है फांसी की सजा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में कल जनगणना और एनपीआर पर अहम बैठक, सभी राज्यों के मुख्य सचिव होंगे शामिल, पश्चिम बंगाल के आने पर सस्पेंस। दिल्ली के शाहीनबाग से फिर बैरंग लौटी पुलिस, आज भी प्रदर्शनकारियों से बातचीत रही फेल, कालंदी कुंज का रास्ता बंद होने से लोगों को भारी परेशानी। दिल्ली में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन, हंगामे के वक्त मंच पर मौजूद थे आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, प्रदर्शनकारियों ने दिखाए पोस्टर। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर सीएए के खिलाफ हंगामा, 30 से 40 छात्रों ने सड़क जाम करने की कोशिश की, पुलिस ने सभी को लिया हिरासत में। केरल सरकार पर भड़के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने को बताया प्रोटोकॉल और शिष्टाचार का उल्लंघन। जेएनयू हिंसा मामले में अक्षत रोहित चुनचुन को एसआईटी का समन, बयान दर्ज करवाने के लिए समन जारी किया गया, पहले भी भेजा जा चुका है समन। इंदिरा गांधी पर दिए विवादित बयान पर संजय राउत ने फिर मांगी माफी, कहा किसी को दुख पहुंचा तो बयान लेता हूं वापस, कांग्रेस ने कहा गठबंधन का रखें ख्याल। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा जारी, बांकुड़ा में बीजेपी दफ्तर में लगाई गई आग, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आग लगाने का आरोप। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया नामांकन दाखिल, पटपड़गंज सीट से लड़ रहे हैं चुनाव, नामांकन से पहले निकाली रैली। साईं बाबा की जन्मस्थली पर विवाद, शिरडी के लोगों की महाराष्ट्र सरकार से अपील, कहा पाथरी शहर को घोषित न किया जाए जन्मस्थली। पीएमसी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक, जेल में ही रहेंगे एचडीआईएल के दोनों निदेशक, ईडी ने फैसले के खिलाफ दायर की थी याचिका। आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार डीएसपी देवेंद्र सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर सरकार ने वापस लिया शेर ए कश्मीर मेडल। सीडीएस विपिन रावत का आतंकवाद पर बड़ा बयान, कहा अमेरिका जैसा एक्शन लेने की जरूरत, आतंकवाद प्रायोजित देशों पर कार्रवाई। सत्ता में बने रहने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किया संवैधानिक सुधार, प्रधानमंत्री समेत पूरी कैबिनेट का इस्तीफा, 2024 के बाद रूस के पीएम बन सकते हैं पुतिन। ओडिशा के निर्गुंडी स्टेशन के पास ट्रेन हादसा, मुंबई भुवनेश्वर तिलक एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे में 20 लोग घायल, कोहरे की वजह से हुआ हादसा। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी के बीच देश के जवानों का जोश हाई, शरीर जमा देने वाली ठंड में की एवलॉन से बचने की ट्रेनिंग। पहाड़ों पर मौसम विभाग का रेड अलर्ट, अगले 48 घंटे में उत्तराखंड के पहाड़ों में भारी बर्फबारी और एवलॉन का खतरा। बीसीसीआई की सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर हुए महेंद्र सिंह धोनी, किसी भी कैटेगरी में नहीं मिली जगह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो निर्भया मामले से जुड़ी है। आपको बता दें कि निर्भया केस में दोषी मुकेश की याचिका पर सुनवाई पूरी हो रही है, मुकेश के डेथ वारंट पर रोक से इनकार किया है अदालत ने, कोर्ट ने जेल प्रशासन से कल तक रिपोर्ट मांगी है, क्या फांसी के वक्त में बदलाव किया जा रहा है, कोर्ट ने ये सवाल भी किया है। दरअसल में अब अदालत ने जेल प्रशासन से ये रिपोर्ट मांगी है, सवाल किया है और कल तक का वक्त दिया है जेल प्रशासन को जवाब देने का, और सवाल यही कि क्या फांसी में किसी तरीके की जो वक्त में बदलाव है वो किया जा रहा है। लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं, उपराज्यपाल ने अब से कुछ देर पहले जो याचिका है दया याचिका उसको खारिज किया था, उसकी भी हम बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इस वक्त की जो अहम खबर आ रही है दोषी मुकेश की याचिका से जुड़ी जो गृह मंत्रालय पहुंच चुकी है, इससे पहले उपराज्यपाल इस दया याचिका को खारिज कर चुके हैं, गृह मंत्रालय इस याचिका को राष्ट्रपति के पास भेजेगा, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक
उपराज्यपाल की दया याचिका खारिज करते ही इसको तुरंत गृह मंत्रालय भेजा गया और गृह मंत्रालय की तरफ से भी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जल्द से जल्द इस याचिका को राष्ट्रपति भवन भेजा जाएगा ताकि राष्ट्रपति भवन की तरफ से भी फैसला लिया जा सके, क्योंकि जो कानूनी प्रावधान है उसके मुताबिक राष्ट्रपति अगर इस दया याचिका को खारिज करते हैं उसके बाद भी दोषी को 14 दिन का वक्त मिलता है। और इसी को लेकर निर्भया के जो परिवार है वो सवाल उठा रहा है पूरे सिस्टम पर। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या कुछ अपडेट और आने वाले वक्त में क्या कुछ स्थितियां नजर आती हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, कोर्ट ने इस बारे में तिहाड़ जेल से रिपोर्ट मांगी, उनसे पूछा है कि मर्सी पिटीशन दाखिल होने के बाद क्या इस मामले में जो दोषियों की फांसी की सजा का वक्त है उसमें कुछ बदलाव करने जा रहा है तिहाड़ जेल प्रशासन, उसके बारे में कल तक रिपोर्ट देनी है। कल 3:30 बजे सुनवाई होनी है। और जैसा कि हम अपने दर्शकों को बताते रहे हैं कि शत्रुघ्न चौहान का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट का 2014 का जो जजमेंट है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि दया याचिका खारिज होने के बाद भी किसी दोषी को कम से कम 14 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए ताकि इस दरमियान वो वसीयत कर सके, अपने घर वालों से मिल सके। तो आज कहीं ना कहीं ट्रायल कोर्ट के जज ने भी ये टिप्पणी की कि अगर मान लिया जाए कि राष्ट्रपति कल या परसों भी दोषी की दया याचिका खारिज करते हैं तो ऐसी सूरत में हमें नया डेथ वारंट इस लिहाज से इशू करना होगा कि उन्हें मर्सी पिटीशन खारिज होने के बाद कम से कम 14 दिन की मोहलत मिल सके। तो ये बात तो बिल्कुल तय हो गई है कि 22 जनवरी को निर्भय के गुनहगारों को फांसी नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ एक दोषी मुकेश ने अभी दया याचिका लगाई है जो कि राष्ट्रपति के सामने पेंडिंग है। बाकी दो दोषियों की अभी क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन दाखिल करने का विकल्प बचा है, और एक और जो दोषी है जिसकी क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो चुकी है विनय की, उसने अभी तक मर्सी पिटीशन दाखिल नहीं की है। तो अभी इस मामले में जो कानूनी राहत के विकल्प हैं वो तमाम दोषियों के पास मौजूद हैं, और ऐसे में अब अगली तारीख क्या होगी ये पूरी तरीके से इस पर निर्भर करेगा कि राष्ट्रपति कब तक मुकेश की दया याचिका को खारिज करेगा। लेकिन अरविंद, राष्ट्रपति जो भी फैसला वो लेते हैं तो कोई बाध्यता नहीं है कि वो कितने वक्त के अंदर फैसला लेते हैं, ये राष्ट्रपति कार्यालय के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब इस पर फैसला सुनाते हैं। बिल्कुल, मैं वही कहता हूं कि पूरा दारोमदार जो है वो अब राष्ट्रपति पर है कि वो कब मुकेश की दया याचिका पर कोई फैसला लेते हैं, वो क्या फैसला लेते हैं, ये पूरी तरीके से उनके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ मुकेश की दया याचिका भी राष्ट्रपति के सामने पेंडिंग है, बाकी जो तीन दोषी हैं उनकी दया याचिका भी राष्ट्रपति के सामने पेंडिंग नहीं है। तो लिहाजा जब वो दया याचिका दाखिल करेंगे, कब उन पर राष्ट्रपति फैसला लेंगे, उसके बाद ये तय होगा कि कब इन दोषियों की फांसी की मुकर्रर तारीख मुकर्रर हो सकती है जिस पर ये सुनिश्चित हुआ जा सके कि फांसी हो जाएगी। क्योंकि अगर एक भी दोषी की राष्ट्रपति के सामने दया याचिका पेंडिंग रही तब भी इसमें से किसी भी दूसरे दोषी की फांसी की सजा पर अमल नहीं हो सकता, चारों दोषियों को एक साथ फांसी की सजा होनी है, बिल्कुल यही कहता है। बिल्कुल, तो जो सबसे अहम बात है वो आप साझा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। लेकिन इन सब के बीच, इन तमाम अदालती अपडेट्स के बीच जो सियासत है वो लगातार गर्माती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के दिल्ली प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने सीधा हमला किया है अरविंद केजरीवाल सरकार पर, और ये सवाल खड़ा किया है कि अगर फांसी में देरी हो रही है तो उसके लिए केजरीवाल सरकार को दोषी क्यों ना माना जाए। अब आम आदमी पार्टी के राज्य सरकार के वकील कह रहे कि 22 को फांसी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि अभी अपील का वक्त है। ये वकील वक्त दिया किसने? ये अगर 2017 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एक सप्ताह में अगर उनको नोटिस दिया जाता तो आज तक सारे उनके जो अपील के अधिकार है वो खत्म होके वो कभी के फांसी लटक चुके होते। देश को एक न्याय मिलता कि इतना घृणास्पद काम करने के बाद उनको एक न्याय की भावना होती और गुनहगारों को एक सबक होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली सरकार के इस पूरे व्यवहार से जनता क्षुब्ध है, जनता जवाब मांगेगी कि क्यों डिले किया। बताइए, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का निकाल निर्णय उनको क्यों नहीं नोटिस के रूप में दिया? दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के ग्रुप ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में पोस्टर दिखाकर संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ नारे लगाए और हंगामा किया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार भी मंच पर मौजूद थे। तो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ
ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। ये दरअसल में एक कार्यक्रम था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, जहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारी पहुँचे और उन्होंने पोस्टर्स जो लेकर गए थे उनको यहाँ पर लहराया, अपनी बात रखी, विरोध प्रदर्शन किया। इस वक्त जब ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था तब यहाँ पर आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार भी मंच पर ही मौजूद थे। तो लगातार नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है, देश और देश के दिल्ली के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में। बात कर रहे हैं हम दिल्ली की, दिल्ली के शाहीन बाग में सीए के खिलाफ प्रदर्शनकारी सड़कों से हटने को तैयार नहीं है। आज पुलिस के आला अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने पहुंचे लेकिन प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। मंच पर लाइट नहीं होने की वजह से, हंगामे की वजह से पुलिस प्रदर्शनकारियों से बात नहीं कर पाई, जिसके बाद पुलिस बैरंग वापस लौट गई। आपको बताते हैं कि अदालत की तरफ से साफ साफ ये कहा गया है कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस शाहीन बाग के इस पूरे इलाके को लेकर फैसला ले। लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से बातचीत की जा रही है लेकिन शाहीनबाग में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन में अभी खत्म होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। सिख संगत ने प्रदर्शनकारियों के लिए लंगर का आयोजन किया है। हमारे सहयोगी रुमान की ये रिपोर्ट देखिए। शाहीन बाग में प्रदर्शन जारी है, प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर काफी संख्या में लोग भी इकट्ठा हैं और अब यहाँ पर लंगर का आयोजन भी किया गया है। लंगर लग गया है और यहाँ पर लंगर के आयोजक हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा डीएस बिंद्रा। ये लंगर कब से लगा है और कितने लोगों की कैपेसिटी है और कब तक लगा रहे? लंगर ये जो स्टॉल है ये तो आज ही हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं लेकिन लंगर हमारा वहाँ पर जो पीछे जो है हमारा परसों से चल रहा है, परसों शाम से। एक्चुअली पंजाब से हमारी एक सिख जत्था आया था, पंजाब से जो है जलंधर से संगरूर से काफ़ी जगह से जो है सिख लोग यहाँ पर आए थे। तो कुछ लोग वेज खाते हैं, कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं, सबका अपना अपना है। तो हमने उनके लिए यहाँ पर लंगर तैयार करवाया था और वही लंगर जो है अभी चलते चलते, अब ये लंगर यहाँ पर कंटिन्यू चलता रहेगा। ये आलू की सब्ज़ी हम लोग बना रहे हैं, ये आलू बोल रहे हैं इसमें, और यहाँ पर ये टमाटर का जो है तड़का तैयार हो रहा है। आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे, साथ में पूरी निकाल के लंगर जो है यहाँ पर चलेगा। कह रहा हूँ पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से, क्योंकि फ्री में तो नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, फ्री में कोई नहीं आ रहा है। हम लोग सिख संगत हमारी जो है हमारी बहुत मजबूत है, हमारी दिल्ली की जो संगतें हैं बहुत मजबूत हैं, बहुत अपना सब लोग पढ़े लिखे और कमाने वाले हैं तो उसी से आ रहा है। उधर बिहार के वैशाली में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली करते हुए गृहमंत्री अमित शाह विपक्ष पर जमकर बरसे। राहुल गांधी और लालू यादव पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है। आपको सुनाते हैं इस रैली में अमित शाह ने क्या कुछ कहा। नागरिकता संशोधन कानून आया, सीएए आया और सीएए के माध्यम से अनेक पीड़ित लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम चला, मगर कुछ लोग जो देश में, कुछ लोग जो है जो बात तो पीड़ितों की करते हैं, बात तो मानव अधिकार की करते हैं, मगर अपनी वोट बैंक की बात जब आती है तब वो अपने वोट बैंक के अलावा किसी को नहीं देखते हैं, वो गुमराह कर रहे इस देश की माइनॉरिटी को, इस देश के युवाओं को कि सीएए से आपकी नागरिकता चली जाएगी। मैं बिहार के मुसलमान भाइयों को कहने आया हूं, आप इस कानून को पढ़े और राहुल बाबा आपको और लालू प्रसाद यादव को भी बताने आया, जनता को गुमराह मत करिए। ममता दीदी और केजरीवाल जी आपकी, जनता को गुमराह मत करिए। मैं आज सरेआम बिहार की जनता को कहने आया हूं कि ये कानून के अंदर किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है, इससे किसी की नागरिकता जा नहीं सकती है। और अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। कांग्रेस पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है लेकिन आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में अब तक रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पटपड़गंज विधानसभा चुनाव से एक बार फिर तीसरी बार चुनावी मैदान में है और आज उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। गले में माला, समर्थकों का हुजूम। एक बार फिर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली की जनता के सामने अपना इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं। चुनावी परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए उनका काफिला पूरे गाजे बाजे के साथ चल दिया।
मनीष सिसोदिया एक बार फिर तैयार हैं पटपड़गंज विधानसभा में विजय का तिलक लगाने के लिए, लेकिन उनके सामने इस बार कई चुनौतियां भी होंगी। इस बार जनता के सामने मनीष सिसोदिया को अपने कामों का हिसाब देना होगा। इस बार उनके कामों में उसी तरह से स्क्रूटनी होगी जैसे परीक्षा के बाद छात्रों की होती है। मैं अपने रिजल्ट को लेके उतना ही आश्वस्त हूँ जितना एक बच्चा जिसने अच्छे से पढ़ाई की होती है वो अपने एग्जाम को लेके होता है। थोड़ी एंग्जाइटी रहती है लेकिन मजा है। मनीष सिसोदिया पूरे जोश में है। मनीष सिसोदिया को केजरीवाल सरकार के कामों पर विश्वास है। जनता को जो फ्री का डोज पिलाया है उस पर पूरा एतबार है कि जनता उन्हें ही चुनेगी। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये काम है लोगों की जिंदगी में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फ्री बस, देश में कहीं ऐसा काम नहीं हो रहा जो दिल्ली में हुआ है और उसी पे लोग वोट करने वाले। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को सभी 70 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी और मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज विधानसभा से आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज नेशन। दिल्ली में मनीष सिसोदिया अपने नामांकन के लिए जब जा रहे थे तो वो एक बाइक रैली को भी आयोजित कर रहे थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस बाइक रैली में बड़ी संख्या में लोग बिना हेलमेट लगे बाइक चला रहे थे। हमारे सहयोगी मोहित की ये रिपोर्ट देखिए। बाइक रैली निकल रही है मनीष सिसोदिया के नामांकन के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नियम के कानून तक पर रखकर ये रैली निकाली जा रही है। मनीष सिसोदिया तो जीप में सवार है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं वो बिना हेलमेट के नजर आ रहे हैं। ये तमाम कार्यकर्ता हैं जो बिना हेलमेट के नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किसी को परवाह नहीं है। कैमरे पर भी वो नारेबाजी तो कर रहे हैं लेकिन नियम कानून का कोई भी फायदा वो नहीं रख रहा है, ध्यान नहीं रख रहा है। और चाहे कहीं तक भी आप नज़र जो दौड़ाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि कार्यकर्ता जिंदाबाद तो करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो है वो इसी तरीके से बिना हेलमेट पहने ही नज़र आ रहे हैं। आप बताइए, आप रैली में शामिल होने आए? हाँ, रैली में क्या, किस वजह से रैली में शामिल होने आए? अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। अच्छा, आप ये देखिए हेलमेट नहीं लगाया आपने, उसकी वजह? रैली में हेलमेट तो ही लगाएंगे। अच्छा ठीक है सर, आप भी रैली में शामिल होने आए? जी। क्या वजह है कि रैली में शामिल होने? मनीष सिसोदिया जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही शानदार कार्य किए हैं, अगर मनीष सिसोदिया जी अगर नहीं जीते तो शिक्षा हार जाएगी, बच्चे हार जाएंगे। आपको लगता नहीं हेलमेट भी पहनना चाहिए था आप लोगों को? जी बिल्कुल, हेलमेट पहना नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम कार्यकर्ता हैं जो हेलमेट है भी तो बावजूद उसके उन्होंने हेलमेट पहना नहीं हुआ, यानी नियम कानून को जो है दाग पे रख रहे हैं। और कुछ तो ये कह रहे हैं कि जब रैली में आए हैं, चुनावी रैली में आए हैं, तो फिर क्यों हेलमेट पहनना। वीडियो जर्नलिस्ट आर्यक के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए देश की राजधानी दिल्ली से अब रुख करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां पर सियासी बयानों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कल एक बयान दिया पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर, और आज का दिन संजय राउत के लिए यू टर्न लेने का रहा, माफी मांगने का रहा, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र कांग्रेस की इकाई की तरफ से संजय राउत पर हमला किया जाता रहा। दरअसल में बुधवार को शाम पुणे में एक कार्यक्रम में संजय राउत ने शिरकत की थी और वहीं पर यह बयान दिया था। डॉन करीम लाला से इंदिरा गांधी की मुलाकात हुआ करती थी। इस बयान को लेकर बवाल मचा और आज संजय राउत ने माफी मांगी। क्या अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला से मिलती थी इंदिरा गांधी? क्या करीम लाला से मिलने मुंबई जाती थी इंदिरा गांधी? ये ऐसे सवाल हैं जिन्होंने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की सियासत में भूचाल ला दिया है। सवाल उठा शिवसेना नेता संजय राउत के एक बयान से जो उन्होंने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। संजय राउत ने दावा किया कि जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड बेहद ताकतवर था तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी खुद डॉन करीम लाला से मिलने उसके इलाके पायधोनी में जाया करती थी। हाजी मस्तान जब मंत्रालय जाए थे तो आखिर मंत्रालय तला घायला खाली है, जमी पाले मी पाले हा करीम लाला होता त्याला भेटायला इंदिरा गांधी जायच्या पायधुणीला। संजय राउत का ये बयान बातों बातों में निकला, लेकिन इस बयान ने सियासत गरमा दी, बवाल मचा तो संजय राउत ने सफाई दी। कांग्रेस के जो हमारे मित्र है उनको भी आहत में आने की जरूरत नहीं। जब इंदिरा जी के ऊपर कोई टिका टिप्पणी करता था तो बहुत से हमारे कांग्रेस के मित्र चुप बैठे थे, लेकिन मैं सामने आकर इंदिराजीत की वकालत करते आए। अगर किसी को लगता है
कि मेरे उस बात से इंदिरा जी की प्रतिमा को ठेस पहुंची है या किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं मेरा वक्तव्य पीछे लेता हूं। संजय राउत ने सफाई देकर भले ही मामले पर मचे घमासान से पीछा छुड़ाने की कोशिश की है, लेकिन संजय राउत के इस बयान पर कांग्रेस तिल मिला गई है। इंदिरा जी एक सच्ची देशभक्त थी जिन्होंने देश की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं किया। मैं मांग करता हूं कि संजय राउत अपने इस बयान को वापस लें। देखिए, उन्होंने आज उस बात का खंडन कर दिया है और कहा है कि मैं इंदिरा जी का बहुत सम्मान करता हूं और उनका जो देश के लिए योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, और उन्होंने कहा कि मैंने किसी दूसरे संदर्भ में ये बात कही थी और उसको एक तरह से उन्होंने खंडन कर दिया है। तो जब उन्होंने खुद ही खंडन कर दिया उस बात का तब उसको तूल देने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ कांग्रेस सरकार में शामिल है, ऐसे में बीजेपी को भी हमला करने का मौका मिल गया। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी रिएक्ट नहीं कर पा रही है, क्या सत्ता से समझौता इस प्रकार से कांग्रेस को दुर्बल बना रहा है कि अब उनके शीर्षस्थ नेता श्रीमती इंदिरा जी पर इस प्रकार के आरोप लगने के बाद सत्ता को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर कोई बयान भी नहीं दे पा रही है। संजय राउत के बयान से महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। शिवसेना और कांग्रेस में कलह मच गई है जिससे शिवसेना के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। टीम न्यूज नेशन। उधर शिरडी के साईं बाबा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। साईं बाबा के जन्म स्थान को लेकर पाथरी गांव के लोग और शिरडी साईं ट्रस्ट आमने सामने आ चुके हैं। दरअसल महाराष्ट्र के पाथरी गांव को साईं बाबा का जन्म स्थान होने का दावा किया जाता रहा है और गांव और इसके आसपास के इलाके के लोग पाथरी गांव को ही साईं का जन्म स्थान मानते हैं, और इसी मांग को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पाथरी शहर के विकास के लिए कई घोषणाएं की थी जिसके बाद अब विरोध शुरू हो चुका है। और इस पूरे विवाद पर शिरडी साईं संस्थान के पूर्व ट्रस्टी का क्या कुछ कहना है सुनाते आपको। साई बाबा जब थे तब साई बाबा ने अपना धर्म नहीं बताया, लोगों को सबका मालिक एक और श्रद्धा शबूरे ऐसा वैश्विक मूल मंत्र दिया। बाबा ने कभी बताया नहीं कि मेरा ये जन्म गांव है। यहाँ तक किसी भी धार्मिक ग्रंथ में, हम तो धार्मिक ग्रंथ एक ही मानते हैं कि जो हेमार पंत ने लिखा है बाबा का साई चरित्र, जो बाबा जब थे तब लिखा गया, दासगनु महाराज ने जो भी कुछ लिखा जब बाबा थे तब लिखा, तो उसमें कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं गया है कि बाबा का जन्म गांव ऐसा ऐसा है करके। बाबा का धर्म भी किसी को पता नहीं, बाबा कहाँ से आए कहाँ चले गए ये किसी को पता नहीं। सिर्फ बाबा शिरडी में आए, शिरडी में रहे, लोगों को यहाँ पर साक्षात्कार मिला और बाबा की समाधि यहाँ पर है, इसको ही अधिकृत स्वरूप है। इसलिए कुछ लोग इसके पीछे है जो कि षड्यंत्र करते हैं। पाथरी का जन्म स्थल का उसके बारे में राज्य शासन की तरफ से बोलना चाहिए, यही हमारी मांग है। और मेरा ये भी कहना है कि अभी 100 साल हो गए, 100 साल से होने के बाद ये लोगों ने बाबा का कुछ जन्म स्थान बताया नहीं, अभी ये लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है? मेरे को लगता है कुछ ऐसे कुछ लोग हैं जो यहाँ बाबा के सर्वधर्म समभाव को टेढ़ लगाना चाहते हैं, और उनका कहना है कि बाबा का ये जन्म स्थल है पाथरी और ये जन्मभूमि है, ऐसे जो बात चल रहा है। हमको लगता है बाबा ने किसी को बोला नहीं हमारा जो सही। अब बात क्लाइमेट से जुड़ी खबर की। देश में प्रदूषण कम करने के लिए क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल और ईंधन की खपत कम करने वाले राज्यों और संस्थाओं ने PCRA ने सम्मानित किया है। पश्चिम बंगाल और दिल्ली को ये सम्मान मिला है। पुणे और जयपुर शहर को डीजल की बचत करने के लिए सम्मानित किया गया है। वहीं गेल को भी इनोवेशन के लिए सम्मानित किया गया है। इस दौरान PCRA की ओर से निबंध क्विज कंपटीशन और पेंटिंग के विजेता छात्रों को भी सम्मानित किया गया। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल में किस तरीके से धरती को बेहतर बनाया जाए इसी दिशा में जिन लोगों ने काम किया है, जिन एजेंसीज ने काम किया है, उनको सम्मानित किया गया दिल्ली में। और ये अवार्ड है बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर FRSLC। जोरदार तालियां दिल्ली के एफर्ट्स के लिए। चलिए तो 4:40 खबर में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं रुकता।